हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए दोस्तों, और देर ना करते हुए सीधा पहेली की तरफ चलते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ढेर सारी इमोजीज दिखाई दे रही हैं। ये सभी इमोजीज एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें एक इमोजी बाकी सभी से अलग है। आपको वह इमोजी 10 सेकंड में ढूंढकर निकालनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? चलिए घड़ी को शुरू करते हैं। अगर आपको वह इमोजी दिखाई देती है तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको और ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। समय समाप्त। चलिए दोस्तों, जवाब जान लेते हैं। क्या आपका ध्यान इस इमोजी की तरफ गया था? क्योंकि इसके दो नहीं बल्कि तीन दांत हैं। चलिए दोस्तों, दूसरी पहेली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक बिल्डिंग की लिफ्ट में एक ज़ॉम्बी और एक वैम्पायर बुरी तरह से फंस गए हैं। किसी ने लिफ्ट का बटन भी दबा दिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सबसे पहले मारा जाएगा। इस पहेली का जवाब देने के लिए आपको कॉमन सेंस का पूरा इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा आपको ज़ॉम्बी और वैम्पायर से जुड़े हुए नियमों को भी याद करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? चलिए घड़ी को शुरू करते हैं। अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। समय समाप्त। तो दोस्तों, क्या आपने अपना जवाब कमेंट करके बताया? अगर नहीं तो चलिए जवाब जान लेते हैं। सबसे पहले वैम्पायर यानी के पोपटलाल मारा जाएगा, क्योंकि ज़ॉम्बी का सिर कटने के बाद भी वो जिंदा रहता है, इसलिए इस पहेली का जवाब वैम्पायर है। दोस्तों, उम्मीद है आपका भी यही जवाब था। चलिए दोस्तों, अगली पहेली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक जैसी दिखने वाली दो तस्वीरें हैं। इन दोनों तस्वीरों में तीन अंतर हैं। ये तीनों अंतर आपको 10 सेकंड में ढूंढकर निकालने होंगे। चलिए घड़ी को शुरू करते हैं। मुझे कमेंट करके बताना आपको कुल कितने अंतर दिखाई दिए। उम्मीद है दोस्तों आपने इन तीनों अंतरों को ढूंढ लिया था। चलिए अंतर जान लेते हैं। पहला अंतर, ये फुटबॉल। दूसरा अंतर, इस बोर्ड की शेडो गायब है। और तीसरा अंतर, पीछे से बेलचा गायब है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पहेलियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको इसी तरह की मज़ेदार पहेलियाँ सॉल्व करना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।